यानी सुनार से लेके चमार तक, कायस्थ से लेके कहार तक ये सारे ही नीच है, ये पिछले जन्म के पापी है, इन्होंने 84 लाख योनियों में गड़बड़ की थी, उसकी सजा भोगने के लिए तुम भारत में पैदा हुए हो। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस में ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना कोई नाई धोबी कुमार है, वहां सब लोग गड्ढ मड्ढे, सब भाईचारे से रहता है। वहां पे भगवान ने ऊंची नीची पेड़ी नहीं बनाई, भगवान को बस चले तो सिर्फ भारत में चले। हेलो, भगवान की दादागिरी चली तो यही चली। आगे व्यास स्मृति में लिखा है, आविरा कुरुणा लोत्रा केवर्ताचना पिता पंच शूद्रो प्रशंसता षष्ठो अभी दुस्सेवका। आबिरा ने अहीर, गुजर, गौली, धनगर, पार, यादव, आबिरा कुर्मणा कुर्मी पटेल पाटीदार, आबिरा कुर्मा लोत्रा लोधी लवंसी, आबिरा कुर्मा लोत्रा केवरता केवट भोई बाथम चाना पिता और नाई, ये पांच शूद्रों की प्रशंसनीय जातियां हैं। अगर छेटी जाति भी प्रशंसा प्राप्त करना चाहती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय के वैश्य के सामने औंधा होकर के गिर पड़े, दंडवत प्रणाम करो। और गुरु जी आए तो उनका चरण धो धो करके कादन लापियो, इससे तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। यह आरक्षण व्यवस्था इस देश में सदियों से चली आ रही है। ब्राह्मण गुप्त संहिता में लिखा है, लोदास गणास कच्छपास काची अदमा वसुत्राय आदि निवासी, लोदी लवंसी गणस्य गाडरी गुजर कमली लोदस गणस कच्छपास कश्यप कहार काची, ये अधम नीच और इस देश के मूल निवासी है, ये इस देश का शास्त्र कहता है। और जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसका वही आरक्षण है। आप सरपंच नहीं बन सकते, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप रामायण उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, वेद उठा के देख लो, पुराण उठा के देख लो, है मेरे नाई भाई, गुजर भाई, तेली भाई, तमोली भाई, पूछना किसी पंडित जी से कि राम के जमाने में हमारे कितने कैबिनेट मंत्री थे, कृष्ण के जमाने में हमारे कितने सरपंच थे, 24 अवतार ने हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटियां खोली थी, हमारे समाज के कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाए, जरा 18 पुराण को खंगाल के देखो। आपका सिर्फ भेस चराने में, भेस पालने में, भटे टमाटर उगाने में, मालिश और पालिश करने में आरक्षण दिया था इस देश के पाखंडियों ने, इस देश के देवी देवताओं ने, इस देश के 24 अवतार ने, 33 करोड़ देवता ने, गुलामी की जंजीरें आपको पकड़ा दी थी, उसी को धर्म कहा गया कि यही धर्म है। हेलो, जब आप गुलामी करते थे तो धर्म था, जब आप पेंट शर्ट पहनने लग गए, मास्टर बन गए, पटवारी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सांसद बन गए, वकील बन गए, तो कलयुग आ गया। अब कलयुग चल रही है। हेलो, इस देश में कलयुग चल रहा है, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। 33 करोड़ देवता के पास मोबाइल फोन नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, अरे सवारी भी नहीं थी दादा। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, कोई मुर्गे पे बैठा, कोई गधे पे बैठा, कोई गरुड़ पे बैठा, कोई काय पे बैठा, अरे तुम एक सवारी का आविष्कार नहीं कर पाए। आप कहते हो कि ब्राह्मण ही ज्ञानी है, तो भैया ज्ञानी है तो आपने आविष्कार कौन सा किया? अरे सारी दुनिया बैलगाड़ी में थी, एक लुहार के लड़के ने अपना दिमाग चलाया इंग्लैंड में, और उसने देखा कि भगोनी की जो दाल उबल रही है और ढक्कन भड़बड़ कर रहा है, अगर इसको एक बेहतरीन यंत्र बना दिया जाए तो दुनिया बैलगाड़ी से निकाल करके रेलगाड़ी में आ जाएगी। ये एक सुतार के लड़के, लुहार के लड़के के दिमाग का कमाल है। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है कि हमारे सोंधिया भाई, गुजर भाई, अंजना भाई, कुमावत भाई ये अकलबंद नहीं है। ये अकलबंद हो सकते हैं, ये ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन इनको ज्ञानी बनने ही नहीं दिया गया, इनको पढ़ाया नहीं गया। आज मुसलमान की मस्जिद में जाकर के देखना, जाके देखना, वहां का मौलवी अपने बच्चों को कुरान और हदीस को हिफ्ज करवाता है, पढ़ाता है, अरबी फारसी पढ़ाता है, उर्दू पढ़ाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक गुजर का गांव है पूरा, एक सोंधिया का गांव है, एक अंजना का गांव है, एक कुमावत का गांव है, उसमें मंदिर है, वहां का पुजारी क्यों नहीं पढ़ाता है? चलो चमार बड़ी भील बागरी से तो अबड़ा है तुम्हारो भगवान, मत पढ़ाओ, अनके पिछड़ा वर्ग से तो नहीं अबड़ा है, अनके पढ़ा दो, गुजर के पढ़ा दो। पर जिस दिन गुजर अकलबंद हो गया, दांगी अकलबंद हो गया, सोंधिया हो गया, कुमावत हो गया, तो फिर इस देश में ज्यादा कलयुग आ जाएगा, अभी तो कम आयो, घोर कलयुग आ जाएगा। क्योंकि ज्ञानी आदमी खतरनाक होता है, ज्ञानी आदमी संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए भारत के पाखंडियों ने लिखा, स्त्री शूद्रो न भीमताम, स्त्री और शूद्र को विद्या मत दो,
क्योंकि कम अकल से कहीं को भी काम करवा सको, कम अकल के कहीं की भी कथा पुराण सुनाओ। एक एक देवता के 10 हाथ था, दूसरा के 20 हाथ था, तीसरा के 50 हाथ था, तो एक के 1000 हाथ था। तो जो गमना गमचारेगा भी मानेगा, कोई मटका से पैदा हो, कोई मुंडा से पैदा हो, कोई कान से पैदा हो, कोई हिरणी से पैदा हुआ, ऐसी जो कथा है इन कथाओं को कब मानोगे? जब ढांडा रोगा, गमना रोगा, गमचा रोगा, अनपढ़ रोगा। पढ़े लिखे हो जाएगा तो आदमी तर्क करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, विचार करेगा। इसलिए इस देश की जनता को गमना और गमचा रखा गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सब आरक्षण गलत है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अरे सदियों से जो तुमने आरक्षण बनाया, इससे देश कैसे बर्बाद हुआ वो मैं बता दूं आपको। जब ब्राह्मण ही पढ़ा लिखा था तो उसने छत्री को भी ढंग से नहीं पढ़ाया, क्योंकि छत्री भी अकलमंद हो गया तो अपना छत्री बखेर देगो। हेलो, जब बुद्ध नाम का छत्री ज्ञानी हुआ उसने अपना अलग धर्म बना लिया, जब महावीर नाम का ज्ञानी हुआ छत्री उसने अपना जैन धर्म बना लिया, जब कबीर नाम का ज्ञानी हुआ तो उसने अपना अलग पंथ बनाया। भारत में जब जब कोई ज्ञानी हुआ है एससी एसटी ओबीसी में, या छत्री भी ज्ञानी बनेगा तो वो अपना अलग सिस्टम बनाएगा। क्यों? क्योंकि वेद पुराण की जो पुराना सिस्टम है वो गलत है। और सिस्टम में वो सिस्टम क्या है? भगवान ने ऊंची नीची पेड़ी बनाई है, सब अपनी पेड़ी पे बैठा रहो, जूता खाता रहो, जूता देता रहो, इससे अगला जन्म सुधर जाएगा। ब्राह्मण ज्ञानी बनेगा, छत्री का काम है लटा पटा मनक घटा। अच्छा, छत्री को क्या आरक्षण दिया? छत्री को यह आरक्षण नहीं है कि वो पूरी दुनिया की यात्रा करे, पूरी दुनिया में जाकर के राज करे। आपने देखा होगा इस देश के छत्रियों ने अगर मारा है तो किसको मारा? चमार बड़ी भील बागरी बरगुंडा नाई धोबी तेली तमोली, इनकी बरात रोकी। हेलो, बरात भी रोकी तो कहो मरिया मराए के मारे। हेलो, मरिया मराए के। अरे दुनिया में राज करना था ना तुम्हें, सात समुद्र पार से अंग्रेज आ गए, पूरी दुनिया में राज किया और तुम यही लटा पटा बैठा मनक घटा में लगा रहा। तुम्हारी ताकत यहाँ की यही लगी, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या बनाया? हमारे जैसे पाखंडियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या कहा? छत्री को काम है नीची जाति को तपाओ, सोंदिया गुजर दांगी यादव माली तेली तमोली ये नाई धोबी इनको अपनी जाति को काम कराओ, नहीं करे तो मारो। ये तो बापड़ा अंग्रेज अच्छा आ गया जो ये सारा सिस्टम बदल दिया, इस देश के सोसकों की ऐसी रगड़ाई और ऐसी तपाई करी कि आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे बोले गोरखगढ़ था, गढ़ा मारिया, कुर्सी पे नहीं बैठ पाता था, रेल में नहीं बैठ पाता था। अरे भाई तुम भी तो कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे हो। आज दलित समाज का, आदिवासी समाज का, पिछड़ी जाति का व्यक्ति अगर सरपंच बन जाता रहे तो आज आप भी तो नहीं बैठने दे रहे हो। वो गोरे अंग्रेज थे, आप काले अंग्रेज हो। तो सज्जनों, इस आरक्षण से क्या नुकसान हुआ? छत्री के एक साथ बीमारी हो गई कि अपनी जिंदगी को लक्ष्य कहीं है सिर्फ नीची जाति के दबाना और कोई लक्ष्य नहीं होगा। बनिया ने सोचा, बापड़ा ने, कि अपने कहीं करना, छत्री और ब्राह्मण ये राजनीति करे, ये कहीं करे, अपने तो दुकान पर सौदो 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 व्यो में बिचारा ओंदा हो गया। आज को पता होना चाहिए सज्जनों, अंग्रेज जब नहीं आए थे एक भी बनिया समाज का आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बना, एक भी इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा साहित्यकार नहीं हुआ, एक भी बनिया बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़े तलवारबाज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जेको काम जेके साजे और करे तो डींगा बाजे, जो जिस जाति में पैदा हुआ उसको वैसा ही रहना है। सज्जनों, आज से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनने कहा सब मनुष्य बराबर है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपना मर्जी का व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए। नई समाज के आदमी को महापंडित बना दिया। किसने? बुद्ध ने। सुजाता नाम की अहिर समाज की, गुजर समाज की लड़की ने उनको खीर खिलाई और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और बुद्धत्व की प्राप्ति में यह हुआ कि सब मनुष्य समान है और सबको अपनी मर्जी रुचि के हिसाब से इस जन्म में विकास करने का अधिकार है। स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचन में कहते हैं, जो धर्म यह कहता है कि तुम्हारा अगले जन्म में तुम्हें अधिकार मिलेंगे, अगले जन्म में रोटी मिलेगी, अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा, वो धर्म नहीं अधर्म है। किसने देखा अगले जन्म में? इस जन्म में तुम गुलगुला खा रहे हो, इस जन्म में तो कमर तुम्हारी कमरे जैसी हो रही है, इस जन्म में तुम मारुति कार से उठी एसी से बाहर नहीं निकल रहे हो और हमें कह रहे हो कि तुम्हारा अगलो जन्म सुधारो।
अच्छा हमारो अगलो जन्म सुधारा, वो तमाणी जन्म में ही पूरे भारत के खजाओ पूरे देश को बर्बाद कर दो। तो सज्जनों इस आरक्षण के खिलाफ जो जातिवादी था कबीर ने रविदास ने आंदोलन चलाया और कहा रविदास ब्राह्मण मत पूजे जब होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जब होवे गुण प्रवीण। जाति की नहीं योग्यता की पूजा होना चाहिए। आज कुछ पाखंडी कहते हैं, आज कुछ पाखंडी कहते हैं जाति की नहीं योग्यता की पूजा होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप योग्य थे तो 712 से लेकर 1857 तक मुसलमान के जूते क्यों खाए? हेलो, तुम्हें जब दौड़ा दौड़ा के तपाया, आज बोलते बहुत सारे लोग हजारों मंदिर तोड़ दिया अशोक कर दियो, तो फिर तुम्हारी योग्यता कहां थी? हेलो, तुम्हारा 33 करोड़ देवता कहां था? तुम्हारा 24 अवतार कहीं कर रहा था? और चलो भी तो बापड़ा सो रहा था, भी तो बाटा लोड़ी का है, आप क्या कर रहे थे? आपकी योग्यता कहां गई थी? जब 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने तुम्हारी रगड़ाई कही, उससे में तुम्हारी योग्यता और बहादुरी कहां थी? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। योग्यता किसी बाप की बपोती नहीं होती है, किसी जाति वर्ग की बपोती नहीं होती है, कोई जन्म से योग्य और अयोग्य नहीं होता है। सज्जनों आदमी को तीन चीज से योग्य बनता है, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तीन चीजों से आदमी योग्य बन जाता है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का हो। एनवायरमेंट, जैसा आपका वातावरण होगा वैसा आदमी हो जाता है, जैसा आपका अनुभव होगा और जैसा एजुकेशन सिस्टम होगा। जब सदियों से आपने इंसान को पढ़ने ही नहीं दिया तो वो योग्य कहां से बने? हेलो, जब आदमी पढ़ने लगा, हिरण्यधनु महाभारत में पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, हिरण्यधनु राजा का लड़का, भील का लड़का था एकलव्य। जब वो अपनी धनुर्विद्या अपने गुरु के माध्यम से सीखा, सोसको ने उसका अंगूठा काट दिया और कहा कि वो तो गुरुजी की मूर्ति बना के नाड़े आड़े विद्या सीख रहे हो तो चोरी कर रहे हो, इसलिए गुरुजी ने उसका अंगूठा मांग लिया और अत्रो गमचो तो उन्हें अंगूठो दे दियो। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। अरे जब वो हिरण्यधन राजा का लड़का था तो उसका अपना गुरु होगा स्वयं का, वो दूसरे के गुरु के पास कहां को जाएगा? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। इसलिए सज्जनों एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती काटा गया और पाखंडियों ने क्या कहा कि वो तो गुरु दक्षिणा में दिया गया था। और इस देश के पाखंडी लोग उस गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बड़े बड़े पुरस्कार दिए जा रहे हैं कि अच्छो पहला अंगूठो काटो थो और अब द्रोणाचार्य को पाठ, वो एकलव्य को पाठ हटा करके पाठ काट दियो। उनके बाप दादाओं ने हजारों साल पहले क्या काटा था? अंगूठा काटा था। और पहले जो 10-20 साल पहले पड़े हुए हैं, पांचवें मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य का पाठ पढ़ाती थी, वो पाठ हटा दिया, अब काट दिया। तो सज्जनों ये सारी व्यवस्था, इस देश में दो व्यवस्था है, एक शोषक की व्यवस्था है, एक शोषित की व्यवस्था है। शोषक के कौन लोग हैं और शोषित के कौन लोग हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो कबीर ने कहा था एक बूंद एक मलमूत्र एक चामर गूदा, एक ज्योति से सभी जन में को बामण को सूदा। एक बूंद जिस माता पिता के रजवीर से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश पैदा होते हैं, उसी से सुनार से लेकर चमार तक कायस्थ से लेकर कहार पैदा होते हैं। 9 महीने में आप पैदा होते हैं, 9 महीने में हम पैदा होते हैं। अरे जहां से तुम खाते हो वहीं से हम खाते हैं, जहां से तुम निकालते हो वहीं से हम निकालते हैं, तो फिर ऊंची नीची पेड़ी कैसे? हेलो, थोड़ा हाउ कर दीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। कबीर कितनी बड़ी बात कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं। एक बूंद एक मलमूत्र एक चामर गूदा और एक ज्योति से सभी जन्मे को बामण को सूदा। अरे मलमूत्र से भी जाति का पता चल जाता है, यो बकरी की मेंढगी है, ये ऊंट ऊंट की लीद है, ये कुत्ते ने बिगाड़ा है। लेकिन एक गांव में अगर सभी जातियों के लोग खाल बिगाड़ के